नमस्ते जी, नमस्ते। तो एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है अबाउट दी टेन्योर ऑफ दी अटॉर्नी जनरल, और उसमें मुझे ये समझ में आती है जब मुझसे वो प्रश्न पूछा जाता है कि शायद थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत आ रही, क्योंकि सारी जनता ये कहती है कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट लिख तो रखा है, तो टेन्योर विल बी एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। थोड़ा सा रुकिएगा, कानून में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखी, और एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट का ये मतलब नहीं है कि उनका कोई टेन्योर ही नहीं, कि कोई फिक्स्ड टेन्योर ही नहीं है। प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट 310 नंबर आर्टिकल में दे रखा है, और अभी उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द लॉ ऑफिसर कंडीशन ऑफ सर्विस रूल्स 1987, ठीक है जी। तो दीज आर रूल्स, इट सेज डेफिनेशन इन दीज रूल्स। सो रूल्स प्राइमरली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, दिस इज डोमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ऑलराइट, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दोज डिटेल्स। अटॉर्नी जनरल मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड अंडर क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूल्स कह रहे हैं, मान लीजिए एक्ट नहीं है, ये बात समझेगा। लॉ ऑफिसर मीन्स एंड इंक्लूड्स द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ठीक है जी। अच्छा, वो कह रहे हैं जी आर्टिकल 76, बिफोर आई गिव यू द आंसर, वो कह रहे हैं जी 76 में क्या लिखा है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। अब एक सेकेंड में आप रुकिएगा और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टर्म ऑफ ऑफिस, अ लॉ ऑफिसर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। अब मैंने तो नहीं कुछ कहा, आपके सामने ये रूल्स क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं, लॉ ऑफिसर, और पीछे इन्होंने क्या बोला कि अ लॉ ऑफिसर मीन्स एंड इंक्लूड्स द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो टेन्योर क्या हो गया, 3 साल। इस क्लॉज का क्या मतलब है, द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्रेजेंट प्रेजिडेंट, नहीं, प्रेजिडेंट साहब किसी भी दिन इन 3 साल के दौरान फोन करके कह सकते हैं कल से काम पे मत आना। लेकिन सिंस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे काम करते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको कहेगा, पोक करेगा, भाई साहब इसको बोलो कल से काम पे मत आए। ये पूरी प्रोसेस है, और ये सेम एग्जांपल आप गवर्नर के एग्जांपल से आप बेसिकली समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं, और ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट देख आ रखा है, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट लेक्चर। इससे पहले हमने राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वोट एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे बात करी हुई, बेसिकली कंफ्यूजिंग लीगल क्वेश्चंस, और राइट टू फ्री लीगल एड क्या है। 310 में क्या कह रहा है, एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग जहां पे रिमूवल प्रोसीजर मेंशन है वो लोग प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट पे नहीं है। मैंने एक लेक्चर पहले भी किया हुआ प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट पे, आई जस्ट लिंक टू दैट एज वेल सो दैट इट कैन हेल्प यू। एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन इज अ मेंबर, आई वोंट रीड इट पूरा, दे ऑल होल्ड इट ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, मीनिंग जहाँ पे रिमूवल प्रोसीजर दे दिया वो आदमी प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट पे नहीं है। अब अटॉर्नी जनरल तो है प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट पे, तो उनका टेन्योर भी 3 साल दे रखा है। एक दो और लोग ऐसे हैं, लेकिन पहले उसको कॉन्ट्रास्ट कर लेते हैं हम वाइस प्रेजिडेंट से। देखिएगा, वाइस प्रेजिडेंट में आर्टिकल 67 के अंदर आप जाएँ तो उसके अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, वाइस प्रेजिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स पास्ड। तो देर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर गिवन, तो एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड जो कि आर्टिकल 310 में दिया हुआ है, राइट, वाइस प्रेजिडेंट इज नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज नॉट एट द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट, क्योंकि उनको हटाने के तरीके दे रखे हैं, सुप्रीम कोर्ट जज, UPSC चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सबको हटाने के तरीके दे रखे हैं। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ एक पैरेलल पोस्ट चल रही है, पैरेलल इन द सेंस इज कॉन्सेप्चुअली पैरेलल, मतलब ये नहीं कि गवर्नर और अटॉर्नी जनरल इक्वल है, ना, ये जो टेन्योर और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बीच में जो असमंजस है उसमें पैरल, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। इसका मतलब कि उन 5 साल के दौरान वी कैन एनी टाइम कॉल द गवर्नर, द प्रेजिडेंट कैन, कल से काम पर मत आना, दैट विच इज द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट। और अगर आप छान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर का रिमूवल प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, क्योंकि अगर दिया होता तो केजरीवाल जी आए दिन हटवा देते इनको, कि चीफ मिनिस्टर वगैरह को समझ नहीं आ रहा, जाओ कल से आना मत। लेकिन ये प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट पे, तो जब हम अटॉर्नी जनरल के बारे में जब हम ये बात बोलते हैं तभी मैंने कहा कॉन्सेप्चुअली सिमिलर, तो गवर्नर के बारे में ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे, बात एक ही है, समझे। प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट में, महाराज कल से कॉल पे कह रहा हूँ, कल से ऑफिस मत आना, कॉल पे भी मत आना, ऑफिस में मत आना, लेकिन वैसे 5 साल काम करते रहना, लेकिन इन 5 साल के दौरान किसी भी टाइम हटा दिए जाओगे। लेकिन क्या हम ये सही काम वाइस प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं, नहीं, वाइस प्रेसिडेंट कहेगा भाई साहब
मेरे को हटाने के लिए आपको काउंसिल ऑफ स्टेट्स में रेजोल्यूशन पास करना ही करना है. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जामिनर चाहे आसमान से प्रश्न पूछ ले या पाताल से, आंसर तो आप करेक्ट देकर ही आएंगे. तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज फॉरमोस्ट इन लॉ and especially to clear entrances and the kind of questions that they are asking as of today. वो जो बिल्कुल जो सिंपलटन जो questions पूछते थे, अगर आप नोट करेंगे, आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लीजिए, 2016-17 से वो सीधे सीधे प्रश्न गायब हो गए. देखी होगी आपने ये चीज़. तो ऐसे जब आप फंडा समझ लेंगे तो आई बिलीव कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ठीक है जी. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर योर रिस्पेक्टिव लॉ एंट्रेंस. टेक केयर. बाय.